तो दोस्तों मैं हूँ रमेश मोकोत्रा, आप देख रहे हैं आर्मी लॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की डेट की बात करें तो 14/1/2021 और टाइम हुआ है दोपहर के 2:30 है। और दोस्तों एग्जैक्ट 3 बजे हमारे यहाँ फिर से बोरवेल स्टार्ट करना है, तो दोस्तों अभी थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों हमारे खेत में अभी थोड़ी ही देर में बोरवेल स्टार्ट करना है, अभी 10-15 मिनट की देरी है। और दोस्तों आपको अगर बोरवेल करवाना हो तो न्यू हरी का कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इनका कांटेक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर भी कांटेक्ट नंबर दिया है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1200। तो 1200 फुट की कैपेसिटी है इस बोरवेल की, तो अगर आपको 1200 तक करवाना हो तो ये न्यू हरी बोरवेल का कांटेक्ट कर सकते हैं आप दोस्तों। और कौन से एरिया में जा सकते, क्या एरिया में? केशोद, जूनागढ़ जिला में, केशोद जूनागढ़ जिला सभी जगह आपको ये मिल जाएगा, मेंदरड़ा। और इसका कांटेक्ट नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर दे दूंगा दोस्तों। पानी न खूटे, केसिंग डाल रहे हैं, तो केसिंग शायद हमारे यहाँ 20 फुट तक आ सकता है, 15-20 फुट आएगा। तो ये जो दिख रहा है वो केसिंग, thank you.
अभी हमारा बोरवेल 320 फीट तक चला है और 350 के आसपास हमारे यहाँ पानी आ जाता है। और दोस्तों 350 के आसपास पानी आए या ना आए, हमें 500 फीट करना है। और दोस्तों 500 फीट के बाद पानी ना आए तो भी 500 फीट के बाद रुक जाना है, 500 ही करना है। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो हमने एक दिन में 3 बोर किए हुए थे। और दोस्तों 3 बोर में ऐसा था कि तब हमारा खेत पूरा खाली था और इस बार खेत खाली नहीं है, तो 3 महीनों बाद खेत खाली हो जाएगा तो तब दूसरे 3-4 बोर करवाने हैं तो तब करेंगे। और आज तो इसमें पानी आए या ना आए 500 फीट तक ही करना है। दोस्तों 300 के बाद कहीं पर फीकी मिट्टी आ गई थी, तो मतलब थोड़ा सा पानी तो आ गया, तो हमें एक की लाइन का ही पानी चाहिए। तो एक की लाइन का पानी 5-6 घंटे चल जाए हर रोज तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी। अभी देखते हैं 500 फीट होने के बाद क्या होता है क्या नहीं। और दोस्तों इस वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, और भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे मेन चैनल रमेश बकोत्रा को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।